जनपद में बहुचर्चित विधानसभा तिलोई में इन दिनों सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं कुछ राजनीतिक दल के गुर्गे आम जनमानस पर भौंक रहे हैं, जिसका इलाज इन दिनों आदर्श आचार संहिता के माध्यम से चुनाव आयोग भी पाबंदी नहीं लगा पा रहा है। बताते चले कि जायज कोतवाली अंतर्गत ग्राम खरौली के निवासी पत्रकार मनीष सिंह ने बताया कि मैं पूर्व में मौजूदा विधायक के खिलाफ खबर प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने आदर्श आचार संहिता व कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया था, जिसको लेकर खबर प्रकाशित होने के साथ ही विधायक के साथ ही उनके गुर्गे पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आक्रोशित हो गए, जिसको लेकर पीड़ित पत्रकार ने स्थानीय थाना जायस में तहरीर देते हुए शिकायत की। लेकिन थाना जायस प्रभारी उमेश मिश्रा मामले को गंभीरता से न लेते हुए पीड़ित को कहीं अन्य जाने की सलाह दे डाली, जिस पर पीड़ित पत्रकार मनीष सिंह ने एसपी अमेठी से न्याय की गुहार लगाई है। वह दबंग विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह व उनके गुर्गे रमेश कुमार सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए भविष्य में खुद की हत्या हो जाने की बात कही है। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम मनीष सिंह है, मैं पत्रकार खरी कसौटी जनपद अमेठी के कोतवाली जैस में रिपोर्टिंग करता हूँ। क्या हुआ आज? मेरे साथ ये हुआ कि पूर्व में मैंने एक खबर प्रकाशित की थी, माननीय विधायक जो मौजूदा है मयंकेश्वर शरण सिंह 178 तिलोई विधानसभा के खिलाफ, उसमें उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उन्होंने गमछा वितरण का कार्यक्रम किया था और जन रैली को जन समूह को जो सरकार का नियम है उसके प्रति उन्होंने उसका उल्लंघन किया। उसके बाद मैंने एक खबर जो प्रकाशित की थी उसका मैंने एक ट्विटर भी डाला और सब जगह मैंने जो है प्रकाशित किया। अच्छा, उस पर जो है उन्होंने अपने गुर्गों से तमाम तरीके से कई लोगों से मुझे ये कहलवाया कि तुमको जान से मरवा दूंगा, ये है वो है, व्यक्तिगत रूप से किसी दूसरे से। अच्छा, मेरे पास भी फ़ोन आया तो उसमें मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं थी, नहीं तो मैं को सुनवाता। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि कल मैं एक बारात में गया था तो बारात में जाने के बाद उनके जो यहाँ पे पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं उनके एक हिसाब से कह दिया जाए उनका एक जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे रमेश कुमार सिंह है ब्लॉक बहादुरपुर पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी, उन्होंने कल मुझसे कहा कि ऐसा है कि कल भी गमछा बटा था और आज भी गमछा बटा है, कल भी बटेगा, जो भी हमारा उखाड़ना हो तुम उखाड़ लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो कुछ नहीं उखाड़ पाऊँगा, मेरा काम है एक खबर प्रकाशित करना, मैंने खबर प्रकाशित किया है और कार्यवाही करना है, प्रशासन कार्यवाही करेगी नहीं करेगी ये प्रशासन का मामला है। उसके तहत इसके शायद मैं अभी कोतवाली में आया हूँ और इसके तहत मैं कोतवाली में भी करूँगा और मैंने एसपी साहब से बात भी की है, एसपी साहब को पूरा संज्ञान को बता दिया है मैंने, कार्रवाई नहीं होगी तो उच्च अधिकारी हैं उनसे मैंने शिकायत करूँगा। और कहीं ना कहीं अभी मैं तिलोई से आ रहा था, सायमो जैसे मैं क्रॉस किया, एक तिनपुला नाम होगा आप लोग जानते होंगे, तो तिनपुला में 4 से 5 लोग मुझे रोकने का प्रयास किए हैं, मैं उनको पहचानता नहीं हूँ ना, मैं नाम लूँगा कि शायद उनके ही आदमी रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये आशंका है कि कल की घटना को लेके वो उनके ही आदमी रहे होंगे। अगर मेरे साथ कोई क्षति होती है, मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है, इसके पूर्ण जिम्मेदार मयंकेश्वर शरण सिंह मौजूदा विधायक और उनके जनप्रतिनिधि यहाँ पे जो उनके दलाल बैठे हुए हैं रमेश कुमार सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख पप्पू सिंह, उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी अगर मेरे साथ कोई घटना घटित होती है तब।